दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों बिहार के आकाश में चुनाव के बादल मंडरा रहे हैं इस वक्त। दोस्तों बिहार में बहुत जल्द चुनाव का आगाज होने वाला है। सियासत के शतरंज पर बिसातें बिछ चुकी हैं और राजनीतिक चालें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। केवल अनाउंसमेंट बाकी है, वो भी चुनाव आयोग जो है कुछ दिन में तारीखें देने वाला है और उसके बाद बिहार में राजनीति की उठा पटक जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और चुनाव आयोग बहुत एहतियात के साथ जो है चुनाव कराने की घोषणा कर चुका है। इसके लिए बहुत सारे वो सैनिटाइजर्स, पीपी किट, मास्क, ग्लव्स भारी मात्रा में वो कल ही वो ऑर्डर दे चुका है। लगभग 1,06,527 बूथों पे चुनाव होना है, तो मतदाता भी अपने आप को जागरूक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी चैनल और हम निकले हैं लोगों का राय जानने के लिए। एक आम जनता क्या सोचता है इस चुनाव के बारे में, हम उसमें बात करने के लिए निकले हैं। और इस वक्त हम हैं चिल्ड्रेन पार्क बोरिंग रोड के पास और आज बात करेंगे यहाँ पर कुछ आम पब्लिक से। जनरल पब्लिक क्या सोचती है बिहार के राजनीति के बारे में, बिहार के नेतृत्व के बारे में, और वो क्या चाहती है इस चुनाव में। तो पब्लिक का जो मूड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस मूड को हम बिहार स्टोरी चैनल के थ्रू आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं, कुछ पब्लिक से बात किया जाए क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है क्योंकि पब्लिक है। और इंद्र देवता ने अभी बारिश शुरू कर दी है, तो फिलहाल हम आए हैं यहाँ पर, ये चिल्ड्रेन पार्क है बोरिंग रोड का, उसके बगल में हम खड़े हैं और ये देखिए तेज़ी से बारिश शुरू हो गई है। एक तो कोरोना का महामारी चल रहा है और लगभग बिहार में चुनाव तय है, तो इस बीच हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिहार में इस वक्त जो चुनाव है वो कितना सही है। आपको पता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं? बिहार के हैं तो पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो क्या इस वक्त सही रहेगा बिहार में चुनाव कराना? अब पटरी पर ट्रैक पर लोग आ रहे हैं, तो अगर ऐसे में अगर सब चीज़ हो रहा है, जब इंसान रोड पर दौड़ रहा है, तो चुनाव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन पेपर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें रोज़ केसेस निकल रहे हैं, पटना में भी 200 से 250 प्रतिदिन केस आ रहा है, बिहार के हर गाँव में कोरोना के मरीज जो है। तो अच्छा एक बात बताइए कि इस बार किसकी सरकार? आप तो यहाँ पर चाय बेचते हैं, बात सही है आपके, मगर अब ये तो चुनाव तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, अभी तो पार्टियाँ हज़ार पार्टियाँ हो गई है और यहाँ है कि वन साइडेड कोई सरकार बना नहीं सकती है। जो अभी बनेगा सरकार, गठबंधन कोई पार्टी करेगी, तभी ये सरकार तय है यहाँ की। क्यों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है क्या, उसमें कोई शक है? बेशक नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं बिहार के लिए, हो सके तो इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही देखेंगे जनता बिहार के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। ओके राजा कुमार जी, यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क के बगल में यहाँ पे चाय का स्टॉल चलाते हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी अभिजीत। अभिजीत जी, क्या करते हैं अभिजीत जी? जी मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। अच्छा अभिजीत जी, अभी बिहार में कोरोना का माहौल चल रहा है, क्या इस वक्त सही समय है बिहार में चुनाव कराने का? जी देखिए, हर जगह सब कुछ तो खुल ही रहा है, तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करना है, लोगों को जागरूक होना है और मास्क वगैरह लगा के, और जो सुरक्षित तरीका है उसी तरह से चुनाव अगर हो तो कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए। तो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से? जी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ही, और लगता है कि वो दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि उनके जगह और तो कोई है नहीं। और नीतीश कुमार जी विगत 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है, क्या कोई युवा को भी मौका देना चाहिए? जी बात युवा को मौका देने का नहीं है, बात है जो अच्छा काम करे मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए, चाहे वो युवा हो या युवा नहीं हो, जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे प्रदेश के लिए काम करे और हमारे तरक्की और हमारे विकास के लिए काम करे, मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए। बिहार में युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जो है सबसे अच्छा है। देखिए जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, अभी तो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग सही से पालन नहीं हो रहा है और कोरोना का न्यूज एकदम छिपा दिया गया है, लोगों में जो डर था वो एकदम खत्म हो गया है। चुनाव का ये सही समय नहीं? चुनाव का सही समय इसलिए नहीं है, लोग चुनाव का समय नहीं है कि लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं राजनीति में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रहा सवाल सीएम पद के लिए, तो सीएम पद के लिए दावेदार जो नीतीश जी है, नीतीश जी ही बेस्ट हैं, 15 साल से थे और आगे भी वही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत, क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव जी, क्या करते हैं?
जी अभी हम पढ़ाई करते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग में जॉब करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रहते कहाँ पे? रहते हैं पुनाई चक में। पुनाई चक में, बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू जी ने यहाँ पे चाय की चुस्की लेते लेते यहाँ पर अपने विचार शेयर किए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर बिहार के चुनाव के बारे में? क्या चुनाव होनी चाहिए इस वक्त? अभी चुनाव क्या हुआ जाए, अभी लोग तो महामारी से निपट ही नहीं रहा है। लोग आजकल सोच रहा है कि कैसे कोरोना वायरस से बचे, रोटी के लिए लोग सोच रहा है। चुनाव तो बाद में भी हो सकता है। अगर चुनाव हो गया तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ही रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी को ही रहना चाहिए, कोई एक दो वजह बता दीजिए। अब नीतीश कुमार अच्छा ही तो कर रहे हैं। आप मान के चलिए लोग बोल रहे हैं कि बिहार में वैकेंसी नहीं मिल रहा है, सीट रहेगा तभी ना वैकेंसी देगा। 10 आदमी का काम है तो 12 आदमी को कहाँ से दे देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विद्यानंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानंद जी। तो जी हाँ, युवाओं में नीतीश कुमार का चेहरा ज़्यादा फेमस है और ये आप देख रहे हैं लाइव बोरिंग रोड में चिल्ड्रेन पार्क के सामने से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक टी स्टॉल था, वहीं पर कुछ लोगों से मैं बातें कर रहा था। और ये देखिए यहाँ पर जो है सुबह, अब पटना में सारी चीज़ें जो हैं वो खुल चुकी हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और मार्केट्स में फल सब्जी वगैरह की सारी जो खुदरा दुकानदार हैं वो अपने बिजनेस को लेकर के यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। तो आइए बातें करते हैं कुछ और लोगों से। और बिहार में जो चुनाव है उसका आगाज होने जा रहा है, चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इस बीच हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर पटना बोरिंग रोड में कुछ लोग, और आइए जानते हैं उनसे बिहार चुनाव के बारे में कि इस वक्त क्या बिहार चुनाव कराना सही रहेगा, वो क्या सोचते हैं। इस वक्त तो कोरोना काल में बिहार चुनाव कराना सही नहीं ही है जी, तो संकट की घड़ी है, ठीक है। इसके बाद कोरोना की स्थिति नॉर्मल होने के बाद ही चुनाव कराया जाए, वही अच्छी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार। क्या करते हैं अमित जी? हम तो टीचर हैं, एज ए टीचर, शिक्षक हैं। जो बिहार की स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग आखिरी पौदान पे आते हैं। 66% साक्षरता के साथ बिहार जो है आज भारत में सबसे निचले पौदान पे है। इस पर हम लोग अपना सीना जो है चौड़ा नहीं कर सकते। इस विषय पे थोड़ा कहना चाहिए कि बिहार में ऐसा बदहाली क्यों है? पर बहुत सारी है रोजगारी की समस्या। नेतृत्व इसके लिए दोषी नहीं है? दोषी है नहीं, नेतृत्व तो दोषी है। अगली बार क्या मुख्यमंत्री कौन, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको आगे आना चाहिए, इस पर कुछ बताएं। कोई युवा सत्ता में, युवा को आना ही चाहिए, किसी भी युवा को आना चाहिए, कोई भी जो कार्य करे वो करे। तो NDA या महागठबंधन? चलिए महागठबंधन को बनवाइए। बनाना तो जनता को है, मीडिया का काम है आपका राय जानना, आप खुल के बोलिए। सर हम बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा या रोजगार की बात करते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं शिक्षा का, हम 15 साल में राज किए हैं, शिक्षा के इधर 5 साल से 10 साल से कोई विकास नहीं हो रहा है। रोजगार बेरोजगार हर एग्जाम से, किसी टीचर का एग्जाम होगा, चाहे दरोगा का होगा, बिहार पुलिस पर होगा, उस एग्जाम खुल कर विरोध होता है। अभी मीडिया वाला भी पता होता होगा, लोग हड़ताल पर धरना पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनका लाठीचार्ज किया जाता है। हम लोग वोट क्यों देते हैं? रोजगार हैं बेरोजगार हैं, कब तक शिक्षा साक्षरता रोकरी, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बार बिहार में जो चुनाव है उसमें कौन से मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए सर, एक दो मुद्दा बताइए जो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से लगता है कि शिक्षा एक मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के ऊपर बहुत सारे काम अभी बाकी है। जिस तरह से शिक्षक लोगों का लिया गया है, बिना एग्जाम का सब लोगों को बहाली कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे शिक्षा में काफ़ी सुधार होने की ज़रूरत है। सुधार नहीं किया जा सकता है, आप देख सकते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी और स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे क्या शिक्षा की स्थिति है और हमारे यहाँ क्या शिक्षा की स्थिति है। तो हमें लगता है कि बिना एग्जाम का लेने का शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अभी अगर वोट की राजनीति देखा जाए तो सिर्फ रोड पर चलाया जा रहा है कि हमने रोड बना दिया, सिर्फ रोड से काम नहीं चलने वाला, रोज़गार हमारे पास है नहीं। रोज़गार की भी हालत बहुत डबाडोल है, लगभग 35 लाख प्रवासी हमारे यहाँ आए हैं जो बाहर के मजदूर थे, उन लोगों के लिए भी अब तक कोई ठोस जो उपाय नहीं हुए। जी वही कहा जाता है कि हमारे यहाँ मतलब अगर देखा जाए तो रोज़गार है ही नहीं, सारे लोगों को जाना पड़ता है, मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं बाहर जाना पड़ता हूँ। खैर हमारा तो प्रोफेशन वैसा है कि हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार के यहाँ पर व्यवस्था किया जा सकता है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ और उद्योग धंधे नहीं हैं जिनके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मुंबई में आए दिन मारपीट होती रहती है, दिल्ली में, नोएडा में, आप कहीं भी देख सकते हैं तो लोग बाहर जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, लोगों को दूर जाना पड़ रहा है। और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति आती है कि लोगों को सबको भागना पड़ रहा है। तो अगर हमारे यहाँ रोज़गार की सुविधा हो जाएगी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
में। अच्छा एक सवाल और है कि नीतीश कुमार जी जो हैं 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तो इस बार एनडीए में क्या आपको लीडरशिप में बदलाव लग रहा है कि होना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू करना चाहिए? बदलाव तो जरूरी है, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 15 साल में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ चुका है। आप अगर देखेंगे रोड से लेकर के, जैसे लोग बोला जाता था कि अगर आप रोड टूटा हुआ आ गए तो समझ जाते थे लोग कि बिहार में इंटर कर चुके हैं, तो इन सब चीज़ों में तो बहुत अच्छा सुधार हुआ, लेकिन शिक्षा में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। शिक्षा में बहुत बड़ी सुधार की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इन लोग चाहते हैं कि सिर्फ सेंट्रल के भरोसे और मोदी जी के भरोसे जीत जाएँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, वो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के संबंध में देखा जाए तो उनका भी एक अधूरापन रहा, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमित चौहान जी। बिल्कुल, अमित चौहान जी ने बोला कि शिक्षा और रोजगार ये दो बहुत बड़े मुद्दा होने चाहिए इस बिहार चुनाव में। दोस्तों, एक दौर था जब बिहार में लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नेताओं को देखने के लिए मन तरस गया था, बाहर निकलना तो दूर छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आ रहे थे लोग। और चुनाव का अब आगाज़ होने जा रहा है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो पूरे पटने में जो है बैनर पे, फ्लैग्स पे नेताजी लोग उभर गए हैं। पूरे पटना में हर जगह पर आपको तरह तरह के कोटेशन से भरे फ्लैग्स दिखाई देंगे, एक से बढ़कर एक हर पार्टी की, पूरा पटना सज चुका है। अधिसूचना अभी जारी नहीं हुआ है, आचार संहिता जब लागू होगा तो चुनाव आयोग इसे हटा देगा। अभी देखिए, मैं बोरिंग रोड चौराहा पर हूँ और आइए आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये बैनर किसी ने लगवाया है, इस पर किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, ना ही किसी का नाम है, और इस पर लिखा हुआ है, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार, सजायाफ्ता कैदी नंबर 3351। ये लालू प्रसाद जी के बारे में कहा गया है। तो अब मान मर्यादाएं जो है वो तार तार होने वाली हैं, एक दूसरे पे लांछन, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। एक्चुअली कोरोना काल के चलते रैलियां हो नहीं रही हैं और केवल डिजिटल बैठकों का दौर जारी है, जूम और फेसबुक का पूरा जो है सहयोग लिया जा रहा है। और एक चीज़ और नहीं हो पा रही है जी, नेताओं की बारात निकलती थी इस सीज़न में, 5 साल बैठे रहते थे, जैसे ही चुनाव आता था बहुत सारे जो नेता हैं उनके लिए मिलन समारोह होता था, बकायदे बड़ा ही रीति रिवाज और रस्म के साथ ये जो समारोह है, किसी शादी विवाह की तरह एकदम ढोल नताशे, हाथी घोड़ा जिसमें हजारों लोग आते थे, ये सब फिलहाल बंद है। कस्में खाई जाती थी, रस्में निभाई जाती थी, और वो जो बेचारा कार्यकर्ता 5 साल से लगा हुआ है अपने क्षेत्र में, वो बेचारा बैठ करके झाल बजाता है। नेताजी बाहर से बाहर आते हैं, दल बदल लेते हैं और टिकट लेके क्षेत्र में उतर जाते हैं, कार्यकर्ता रुस जाता है, फिर पार्टी उसे फिर लॉलीपॉप दिखा के मना ले। ये राजनीति में होता आया है, होता रहेगा, इसे रोकना संभव नहीं है। जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, जो मौका परस्त इंसान हैं वो मौके के फ़ायदा उठा करके जिस पार्टी का हवा रहा, जिस क्षेत्र में जिस पार्टी का दबदबा रहा, जात पात समीकरण मिला करके और दल पलटी करके वो चुनाव के समय, तो फिलहाल जो अभी वो मिलन समारोह जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, वरना उसे भी हम दिखाते ज़रूर। हालांकि हो रहा है, वो भितरिया हो रहा है, सारा कानाफूसी जो है वो बंद किवाड़ी के भीतर हो रहा है, टिकटें फाइनल्स भी हो रही हैं, जिनकी फाइनल हो गई वो क्षेत्र में उतर भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा इनकम टैक्स वहाँ का भी हाल देखते हैं। दोस्तों, आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, चूँकि सुबह निकला था मैं 7 बजे और मौसम ख़राब था, हालांकि मौसम ख़राब नहीं था, पटना का मौसम बहुत सुहाना था, रिमझिम बारिश जो है वो रह के शुरू हो जा रही थी, और बारिश के चलते जो है मुझे शूटिंग रोकनी पड़ी, मुझे बीच में ही आना पड़ा, हम आगे का अपडेट आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन हम आगे भी एपिसोड्स लाते रहेंगे बिहार के इलेक्शन के मद्देनज़र। बने रहिए हमारे बिहार स्टोरी के चैनल के साथ, जो इलेक्शन का पर्व है, जो चुनाव महापर्व है 2020 का, वो हम लोग साथ में देखेंगे और जनता का मूड भी जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, घंटा दबा दीजिएगा, तो कम से कम आपको जो है हमारी वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में।
जय हिंद, जय भारत।